हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दिल्ली से मसूरी हम जा रहे हैं, लेकिन हम बीच में हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए हम गए हैं। सो ये वीडियो हमारी होने जा रही है टोटली हरिद्वार के ऊपर। सो यस, ये जो वीडियो होने जा रही है हरिद्वार के ऊपर ही होने जा रही है। जैसे कि काफ़ी टाइम से हम आ नहीं पा रहे थे, हमें आना भी था और मसूरी के लिए निकले थे, तो सोचा कि बीच में हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए चलते हैं। तो यहाँ भी आना हो गया तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर सबसे पहले तो। और फिर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई है अभी दिल्ली टू मसूरी बाय रोड, और उस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ डाली है, जैसे कि मसूरी का ट्रैफिक हो गया, वेदर हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं उस वीडियो में। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना, और उसका जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप सभी ने देखा ही होगा कि गंगा का बहाव कितना तेज़ है, और जैसे ही हम यहाँ पर आए थे धीमी धीमी बारिश भी होना शुरू हो गई थी, और हमने देखा यहाँ पे तो बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। वैसे तो मेरे भाई की और वंश के पापा की जो थी नहाने की प्लानिंग थी, वो सोच रहे थे नहाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा बहाव देख कर ना तो मुझे थोड़ा सा डर ही लग गया था रियली में बताऊँ तो, क्योंकि लगता है ना इतना बहाव है तो मतलब थोड़ा सा मन में बस डर बैठ जाता है, तो इसलिए मैंने इनको नहाने के लिए मना कर दिया। तो अभी तो वैसे हम देख ही रहे हैं, देखिए आप कितना बहाव है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बहाव था और बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी इसमें, पानी जो गंगा का पानी है वो ना थोड़ा साफ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद बारिश की वजह से पहाड़ों में बारिश हो रही होगी तो मिट्टी मिल के थोड़ी आ रही है पानी में, तो गंगा का पानी भी थोड़ा सा साफ़ नहीं आ रहा है, और बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आप लोग जाओ तो थोड़ी सी सावधानी बरत के स्नान आप लोग करना वहाँ पर, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ। तो अगर आप जब भी आप जाते हो तो बस थोड़ी सी सावधानी बरतना, अच्छे से चेन वेन पकड़ के फिर आप नहाना, और नहाना उस तरफ स्नान करना जहाँ पर बहाव कम हो, क्योंकि अभी बात हुई है यहाँ पे नहाने की बात चल रही है तो ये लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, तो जहाँ पर बहाव कम है उस तरफ जाके नहाएंगे। तो अभी मैं आपको वो भी वीडियो दिखाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे इन लोगों ने इन्जॉय किया है, कैसे देखा है। ऑब्वियसली गंगा जी के घाट पर आए तो ऑब्वियसली स्नान तो करना बनता ही है, तो उसके बगैर तो नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप देख। तो गाइज़ अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और निकलते मतलब एक बहुत अजीब सा मुझे लगा है, अभी एक लड़का यहाँ पे नहा रहा था, वो एकदम से पानी के बहाव में आगे चला गया है, तो बहाव इतना तेज़ है, और वही बस काफ़ी लोग देख रहे हैं उसको कि कैसे कैसे वो बच जाए, बट निकल गया वो शायद आगे की तरफ। अब देखते हैं कहाँ वो रुकेगा, कहाँ वो अटकेगा बच्चा, तो बस वही है। बाकी ये लोग भी ज़िद कर रहे हैं नहाने की, अब वही है बस देख रहे हैं कि जहाँ पे भी पानी का बहाव कम होगा वहीं पर ही ये लोग नहाएंगे। क्या
क्या बोल रहा है, बोल बोल बोल। ये लोग यहाँ पे मुझे इसलिए लेकर आए हैं कि मुझसे चावल खाने मटर वाले और बनाओगे आप? हाँ, इसलिए सिलेंडर रख के लाया है। तू सिलेंडर रख के लाए हैं? लस्सी बनाएंगे, फैटने वाला ले रहे हैं। हवा इतनी चल रही, मिट्टी इतनी है। सो गाइज, यहाँ पर वंशु के डैडी ने और वंशु के मामा ने अपने मन की पूरी कर ली है। उन्होंने गंगा जी में स्नान कर लिया है और काफ़ी अच्छा भी लगा है उन लोगों को। और बस हाँ, थोड़ा सा मैं डर रही थी क्योंकि वही फिर से अगेन, बस मैं डर रही थी थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा बहाव तेज़ था, तो इसीलिए। सो ठीक है, अब हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं ऋषिकेश जाने की। सो गाइज़, आप प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है ये पूरी, और वीडियो को बीच में ही स्किप मत करना। एंड अभी मैं अपने काफ़ी ब्लॉग्स डालूंगी ऋषिकेश से रिलेटेड और मसूरी से रिलेटेड भी मेरे काफ़ी ब्लॉग्स हैं। सो प्लीज़ ज़रूर गाइज आप चेकआउट करना। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। छोटी वाले पे वंशु, वंशु अपने व्यूअर्स को 1 2 3 सुना दो। Yes. वंश इधर से आओ बेटा, वंश यहाँ से आओगे? चलो आ जाओ, आ जाओ मशू, आ जाओ। डॉगी देखो, डॉगी मशू, डॉगी देख, छोटे से डॉगी। तो पापा गुस्सा कर रहे, चलो क्या हुआ? हाँ जी बोलो जी। ये क्या है, ये पानी क्या यहाँ सोने की सोच रहे हो क्या? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ, शायद ये अरेंजमेंट कर रखा है कि अगर कोई बंदा रुकना चाहे, मुझे भी लग रहा है सोना चाहे तो ये सोने का अरेंजमेंट कर रखा हुआ। चलो मशा बोरा गुट्टा छोटी वाले पे जाओगे? चलो पंजाबी तो नाम के बाहर हो गए, हम भी खाएंगे छोटी वाले से। एटीएम देख के आएगा, निकाल ला दो तो बाद में निकाल दियो, यहाँ यूपीआई वगैरह चल जाएगा, देखते हैं। अरे ठीक है। सो अब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए और ऋषिकेश में ही हम स्टे करेंगे। सो गाइज, ऋषिकेश की वीडियो देखना मत भूलना, उसकी वीडियो मैं जल्द ही बना के मैं अपलोड करूँगी। सो गाइज ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।